फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। छोटे व मझोले व्यापारियों से पैसा लेकर लौट रहे मेरठ के चीनी व्यापारी को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर करीब 14 लाख रुपए लूट लिए। यह वारदात मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके में हुई। चीनी व्यापारी अमित अग्रवाल के साथ घटना उस वक्त हुई जब वह अपने सहयोगी के साथ पैसे की वसूली करने के लिए गए हुए थे। दरअसल अमित कार से जितेंद्र को लेकर मेराज की दुकान पर पहुंचे थे। जितेंद्र पेमेंट लेने के लिए मेराज के पास गया, जबकि अमित कार में ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाश आए, हथियारों के बल पर अमित को आतंकित किया। गोली मार देने की धमकी सुन अमित ने रुपयों का बैग बदमाशों को देने में ज्यादा भलाई समझी। बैग लेकर बदमाश वहां से भाग निकले। अमित अग्रवाल के मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके स्थित नवीन मंडी में चीनी का थोक व्यापार है। इसकी सूचना जैसे ही संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता को मिली, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घटना पर विरोध जताते हुए घटना के खुलासे की मांग की। मौके पर पुलिस के तमाम बड़े अफसर पहुंच गए हैं। बदमाशों की तलाश जारी है। छोटा हसनपुर आए, छोटा हसनपुर पे हम इलेक्शन के लिए रुके। रुकने पे हमारे जो साथ के जो जितेंद्र जी थे वो इलेक्शन के लिए दुकान पे चढ़े। इतने में पीछे से दो मोटरसाइकिल वाले आए जिसमें चार आदमी थे, जिसके हाथ में दो आदमियों के हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने अपना जो है मतलब हमारी गाड़ी में पहले रखा था पैसों का, वो छीन कर मेरठ की तरफ भाग गए। पिस्टल विस्टल लगाया था, दो पिस्टल थी उनके, एक मेरे सामने से आए जो मेरी खिड़की लॉक थी लेकिन कंडक्टर वाली खिड़की खुली नहीं थी, तो दूसरी खिड़की में से आके खिड़की में से निकाल के जब ले गए खोल कर 14,90,000। पुलिस को सूचना दी, जब पुलिस प्राथमिक पुलिस चौकी है वहाँ गए, वहाँ उन्हें सूचना दी, पुलिस वाले तुरंत आए और घटनास्थल पर पहुँचकर अब कार्रवाई कर रहे हैं। घटना के बाद संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता की यह प्रतिक्रिया सामने आई। आज नवीन मंडी के व्यापारी मैसस वी राम एंड कंपनी के मालिक अमित और उनका मुनीम जितेंद्र अपनी दुकान से अपनी कार संख्या UP 15DJ 5592 से तगादा लेने गए थे। जब वे छोटा हसनपुर में मेराज की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी खड़ी की, मुनीम दुकान के अंदर चला गया। अभी बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश आए और उन्होंने अमित को कट्टा तमंचा लगाकर उससे तगादे की राशि जो एक थैले में रखी थी उससे देने को कहा, और नहीं तो गोली मारने की धमकी दी। व्यापारी ने डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वह थैला उनको दे दिया। थैले में लगभग 15 लाख रुपए की नकदी थी। घटना की सूचना हमारे द्वारा SSP को दे दी गई है। अगर कल तक इस घटना में कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं लगे, पुलिस ने कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की, तो कल हम SSP कार्यालय पर 11 बजे प्रदर्शन करेंगे। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र भावनपुर में अमित अग्रवाल जी हैं, इनके साथ इनके द्वारा बताया गया है कि लूट की घटना कारित हुई है। इनके द्वारा तहरीर प्राप्त कर उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। टीमें लगा दी गई हैं, CCTV फुटेज देखा जा रहा है, बाकी नंबरों पर भी काम किया जा रहा है। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। ये अभी लगभग 12-13 लाख के आसपास बता रहे हैं, शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।